नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। बांग्ला भवन से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, क्योंकि 6 दिन गुजर चुके हैं, 6 दिन से लगातार सुलग रहा है बवाल। हावड़ा टू हुगली लगातार बवाल ही बवाल, और सबसे बड़ी बात यह कि 6 तारीख को, 6 अप्रैल को भी भविष्यवाणी कर दी है राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कि 6 तारीख को भी बवाल हो सकता है, हिंसा हो सकती है हनुमान जयंती के मौके पर। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब आपको इस बात की आशंका है, पूर्वाभास हो गया है, भविष्यवाणी भी आपने कर दी है, तो तैयारी आपकी क्या है? आप पहुंची है पूर्वी मिदनापुर और वहां जाकर आप सभा को संबोधित कर रही हैं, वो तैयारी कर रही हैं, क्यों नहीं आपने तमाम बैठकें की और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करने के लिए तैयारी की? क्योंकि याद रखिए, जो सूबे की सीएम है ममता बनर्जी, उन्हीं के पास है गृह मंत्रालय भी, तो फिर ये चूक, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल। और क्या हालात पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि याद रखिए अभी भी बंगाल सुलग रहा है, बड़ा सवाल यही। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन, 7 लोगों की गई जान, 14 लोगों को बचाया गया। लापरवाही को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बरेली, नैनी और बांदा जेल के अधीक्षक को किया गया है सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, वसुंधरा राजे भी हुई कोरोना संक्रमित। और ढाका के बंगा बाजार में लगी भीषण आग, 3,000 दुकानें चपेट में आई, आग पर काबू पाने की कोशिशों को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। बंगाल से आ रही है सीधी तस्वीरें, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। हमने आपको दिखाया किस तरीके से हुगली में जो एक इलाका है रिसरा, वहां पर जो रेलवे स्टेशन था वहां पर पथराव लगातार किया गया, जिसके बाद एहतियातन वहां पर मोबाइल सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई और साथ ही साथ वहां पर जो ट्रेनें हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया। लेकिन ये नौबत कैसे आई, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा में चूक, लापरवाही का मामला सामने आया, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बंगाल में फिर हुई हिंसा, पथराव और बमबाजी। रिसड़ा इलाके में 4 ट्रेनों पर पथराव और बमबाजी। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। छह दिनों से बंगाल में बवाल, कौन जिम्मेदार? लेकिन अपने ही देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तुष्टीकरण के संग जीतेंगे 2024 की जंग। ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। क्या बंगाल में ममता बनर्जी को हो जाता है पूर्वाभास? मुस्लिम मीडिया गया हमला कर ले, मने रखो तार বিরুদ্ধে আইন আইনত পদক্ষেপ নেবে, মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के लिए ममता को हुआ पूर्वाभास। 6 तारीखটাও মনে রাখবে না আমাদের ছেলে মেয়েরাও, 6 তারিখটা আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোন প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন, সারা ভারতবর্ষে করছে। বঙ্গাল মে হনুমান জয়ন্তী পর দঙ্গা পার্টু। और जिसका शासन है
उस शासन में उसी को पता चलता है, वो तो विदिन दैट टाइम पता कर सकता है कि कौन लोग ये जुलूस में हंगामा किया था। क्या चुनावी फायदे के लिए कराया जाता है दंगा? सेकुलर संदूक में कमनल बंदूक लेकर के और लोगों को जो है वो किस तरह से जो है वो लोगों के अमन और चैन को, लोगों की शांति को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। चुनावी फायदे के लिए हिंसा में झोंके जाते हैं आम लोग। रामनवमी पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भड़की है हिंसा और उसके बाद जो बिगड़े हैं हालात, उस पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, आपको दिखाते हैं। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड, और दुनिया उस बात को मानती है, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्री एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और बेहद अहम बात कही है मुख्तार अब्बास नकवी ने, उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म निरपेक्ष दुकानों में सांप्रदायिक भोजन परोसा जा रहा है उसी का असर है कि दो राज्यों में इसी तरीके से हिंसा बढ़ती है और हालात जो है वो बेकाबू हुए। लगातार आपको बता रही हूँ बंगला भवन से, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा कि सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से कि किस तरीके से अपने राज्य को संभाल कर इस तरह का जब आयोजन होता है तो उसमें परेशानी न हो, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, कम से कम इन दो राज्यों के सीएम को उनसे सीख जरूर ले लेनी चाहिए, आपको दिखाते हैं। देखिए, एक चीज आपको देखना होगा, जब दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिन्होंने की सेकुलर दुकानों में कमनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। और अफसोस की बात यह है कि उनके चेहरे पे तो कमनल क्राइम का कलंक है लेकिन गले में जो है सेकुलर सुरमा का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, और किस तरह से वो सेकुलर संदूक में कमनल बंदूक लेकर के और लोगों को जो है वो किस तरह से जो है वो लोगों के अमन और चैन को, लोगों की शांति को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हिंसा भड़की है उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें आपको बता दें 100 तरह के सवाल खड़े हो रही हैं, कर रही हैं। तस्वीरें जो है वो इस ओर इशारा कर रही है कि किस तरीके से जो परेशानी है वो आम लोगों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह की तुष्टिकरण की जो राजनीति वहां पर चल रही है वो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें AIIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो हिंसक वारदातें हुई हैं वहां पर, चाहे बिहार हो पश्चिम बंगाल हो, उसको लेकर उन्होंने उनकी निंदा की है, और क्या उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है, और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। और दंगे की तस्वीरों के बहाने एक बार फिर से संजय राउत ने साधा है बीजेपी पर निशाना, उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री या कौन सी सरकार चाहेगी कि हमारे राज्य में, अपने राज्य में दंगा हो, हाँ पत्थरबाजी हो, कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता है।
लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति बिगड़ने का काम वहां का अपोजिशन यानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये उनका एक मॉडल बन गया है। जहां वो कमजोर है, जहां हारने की उम्मीद है, वहां वो लोग इस प्रकार से दंगे भड़काते हैं। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जल्दी से रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां से मेरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक सुनील कौशिक जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, आप कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो रक्तरंजित बंगाल की सामने आ रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो सागर दीघी में जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे उसी को लेकर जो जो स्क्रिप्ट है वो रची जा रही थी, और ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो ये कह रही है कि इसमें साफ तौर पर बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? पहली बार घटना हुई और तत्काल जब मुख्यमंत्री का बयान आकर के ये सिद्ध कर दिया कि उन्होंने सिर्फ हिंदू समुदाय को दोषी ठहराया, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री के पास इनपुट था कि बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर से बुलाए गए और वहाँ की प्रदेश सरकार सोई रही? प्रदेश सरकार के पास कहाँ से ऐसे इनपुट आए? क्या कुछ लोग पकड़े गए जो बाहर के प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता थे? ये सवाल खड़े होते हैं। मेरे हिसाब से कम मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिनकी सारी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती है, उधर ही से ऐसा बयान आएगा तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होंगे। हाईकोर्ट की कार्रवाई को देखा, राज्य के महाधिवक्ता के पास जवाब नहीं था, किस तरीके से इधर उधर देख रहे थे, और हाई कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है कि बुधवार तक सारे सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में रखे जाएं, सारी कार्रवाई जो जो वहां की पुलिस ने परमिशन दी, उस परमिशन किन स्थितियों में दी, किन किन की वहां ड्यूटी लगाई गई, और पुलिस पर खुद हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। आप राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीतिक बातें होती रहेंगी, लेकिन हाई कोर्ट जिसने स्वयं संज्ञान में लेकर के ये बातें कहीं हों कि निश्चित तौर से वहां की सरकार फेलियर है, तो फिर सवाल खड़े होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे, चाहे टीएमसी कुछ कहे, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है कि वो राज्य की सीएम है, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों उनकी है, गृह विभाग उनके पास है, उनके उनके पास गृह मंत्रालय है, ऐसे ऐसे में अगर वो इस तरीके की बात करेंगी कि बीजेपी दंगे करवा रही है और वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगी, तो जाहिर तौर पर उन पर भी सवाल खड़े होंगे। हमारे साथ हाजी रगरेज जी भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब, जिस तरह की तस्वीरें आई, क्या आपको उससे निराशा हुई? और फिर एक ऐसा वर्ग जो ये कह रहा है कि अजान के दौरान अगर इस तरह का मार्च निकाला गया था, इस तरह की रैली निकाली गई थी, तो फिर ये तो होना ही था, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस तरह के बड़बोलेपन से? इत्तेफाक नहीं रखता, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2014 से पहले भी और मतलब 100-200 साल से रामनवमी के जलूस निकल रहे, कभी भी कोई किसी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ, मगर अब जानबूझ कर किया जा रहा है। बीएचपी बजरंग दल और आरएसएस की जहां जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर प्लानिंग के तहत दंगा कराया जा रहा, अगर इसकी सीबीआई और सीबीआई के तहत इनकी जांच होनी चाहिए, ये कौन लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानून अपना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मगर ये जो भाजपा और बजरंग दल है, इस पर बैन कब लगेगा बजरंग दल पे और बीएचपी पे, जो पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करना चाहते हैं और पूरा दंगे जैसा माहौल पूरे देश में और करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है सरकार? हाजी साहब, क्या जिम्मेदारी दूसरों की है कि वो बंगाल के भीतर आके कैसे दंगा भड़का रहे हैं, लेकिन सीएम क्या कर रही है, उनकी क्या तैयारी है, इसको लेकर कभी आपने सवाल खड़ा करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और वो सियासत उनको सूट कर रही है, क्या आपको भी सूट कर रही है कि एक समुदाय विशेष को महज वोट बैंक समझ लिया गया है? क्या ये सोच एक सीएम की आपको सूट कर रही है? अगर वो हनुमान जयंती के मौके पर ये कहती है कि एक बार फिर से इस तरह का की हिंसा होगी, मैं हिंदुओं से अपील करूंगी कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करें, तो उनकी अपनी क्या तैयारी है? देखिए, मैं तो शासन प्रशासन को भी फेलियर मान रहा हूँ, अगर शासन और फिर भी आप बिना अनुमति के वहां पर जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हो, ये भी और शासन प्रशासन कहाँ है, वो कैसे निकालने दे रहा है, इन सब चीजों पे भी सवाल होना चाहिए। आप ही ने तो इशारा करके किया है टेढ़ा, वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि आपने इशारा करके टेढ़ा किया। अब बताइए सेंटर फ्रेम कैसे होता है, क्लोज करिए मेरा आप पीसीआर, बताइए। बहुत फोन आ रहे हैं आप,
हद कर दी फोन वालों ने भाई। तुमने बिल्कुल कैमरे पे पकड़ लिया, थोड़ा सा ऊपर पकड़ लिया। राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उम्मीद कर रही हूं कि माधुरी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई होंगी। तो मेरा सवाल माधुरी आपसे ही है, माधुरी अग्रवाल बीजेपी नेता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। माधुरी जी, आपने सुना कि इल्जाम यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। केंद्र तक को चिट्ठी लिख दी है सुकांता मजुमदार ने, आपका केंद्र भी हस्तक्षेप कर रही है, एनआईए के हस्तक्षेप की भी आप मांग कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है बीजेपी, अलावा इसके क्या तैयारी आपकी? यही तो है ना, इसको ये रोड तो यही है, यही है मार्केट भी है अंदर, तो इसमें अंदर जाना है हमें, है ना? क्योंकि यहाँ पे लगातार खास करके उस स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पे हर बार किसी ना किसी तरीके का उपद्रव होता है, यहाँ तक कि कोरोना काल में जब लोगों पर कर्फ्यू लगाया, जब लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तब भी वहां पर इसी तरीके के दंगे भड़के थे और उन लोगों ने बाहर निकल के अराजकता फैलाई थी। और उसके बाद जब इस बार रामनवमी में इस तरीके की अराजकता फैली, हिंसा फैली और पथराव हुआ, तो उस समय मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य था कि बंगाल में पहली बात तो ये है कि आप लोग अगर उस इलाके से अगर निकालेंगे रैली तो यही होगा। मैंने तो पहले ही मना किया था कि आप उस एरिया से उस रमजान के समय में अभी कोई भी जुलूस मत निकालिए। तो आप सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से पैम्परिंग कर रही है इस तरीके के उपद्रवियों को, जो कि जानबूझकर टारगेट कर इस तरीके के जुलूस पर कोशिश करते हैं कि उस पर पथराव किया जाए, हिंसा फैलाएं, और उनको पता है कि सेंसिटिव जगह है, उसके बाद भी वो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद दूसरे दिन उससे भी ज्यादा पथराव हुआ, हिंसा हुई और लोगों की दुकानें और घरों में आग लगाने की कोशिश की गई, कितनी सारी दुकानें जलाई गई। तो ये जो हिंसा भड़काने वाले बयान जो मुख्यमंत्री दे रही है, किस जिम्मेदारी पे दे रही है? उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी जात धर्म से परे हटके उनकी जिम्मेदारी है और कोई भी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, कोई भी त्योहार चल रहा हो, हर व्यक्ति को जो है उनको पूरी तरीके से प्रशासन की बात को मानते हुए चलना चाहिए। वहां पुलिस कर्मी खड़े हुए थे, उनके सामने पुलिसों के तो जैसे हाथ बांध के रखे थे, उन्हें कहीं से ऑर्डर ऐसा मिल गया था, शायद देख के लग रहा था फुटेज पर, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि उनको तो ऐसे बोल दिया गया था कि आपको बीच बचाव करने की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा कर रहा है करने दो, और उसमें कहां से पत्थर फेंके जा रहे थे वो तो आप फोटो पे देख सकते हैं, आप वो सीसी कैमरे में देख सकते हैं कि पत्थरबाजी, लाठी उछलाना और जो लोगों के कॉम्प्लेक्स में घरों में घुसने की कोशिश करना, ये कौन लोग कर रहे थे और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके अभी तक क्या कार्रवाई की गई ये तो पता नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई के नाम पे जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके घरों में घुस घुस के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये जो सोच है ये बताती है कि आप जानबूझकर लोगों को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आपका आपकी जगह है, आपके मन में जो आए, क्योंकि जो तुष्टिकरण की बैंक वोट बैंक की जो राजनीति है इसी वजह से ममता बनर्जी जीत रही है और यही कर करके उन्होंने लोगों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो उपद्रव जो है उपद्रव मनाने मचाने वाले जो लोग हैं, चार लाती खेते हुए जो गाय, तो यही बात तो नहीं है कि जो गाय दूध दे रही है उसकी लात खानी ही पड़ेगी। सुनील जी, जे गोरु दूध दे तार लाते खाते हुए, अब यही बात तो नहीं है कि जो गाय दूध दे रही है उसकी लात खानी होगी। 27% वोट बैंक का खौफ सता रहा है कविता जी, जब ऐसी उससे कम से कम यही तो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि रेफरेंडम है, मुसलमान आपके साथ नहीं है, अब उनको अपनी तरफ करने के लिए कोई रणनीति तो नहीं बन रही है कहीं। देखो कविता सिंह, कहीं राजनीति की प्रयोगशाला तो नहीं बनती। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जब विरोध और पक्ष में बयान देते हैं, किसी को बचाने का काम करते हैं ये, और वो भी मुख्यमंत्री लेवल से, तो निश्चित तौर से वहां शांति नहीं आ सकती। एक अपील पहले की उन्होंने और उसमें बताया सीधा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों से आए। दोबारा उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर भी ऐसा हो सकता है, और हिंदू भाई बहनों से उन्होंने अपील की कि रमजान के महीने में अल्पसंख्यकों को रक्षा करने के लिए मैं अपील करते हूँ। तो केवल और केवल वो एक समुदाय की बात कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए था, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, या तो कोई भी प्रदेश की कानून व्यवस्था तोड़ेगा, खराब करने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो आपके चैनल पर वीडियो में देख रहा हूँ, तमाम सोशल मीडिया पर दिख रहा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा समुदाय शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के बयान जो कि एक पक्षीय दिख रहे हैं, निश्चित तौर से हाईकोर्ट की टिप्पणी ये भी मायने रखती है
कि वहां की पुलिस व्यवस्था फेलियर हुई। हाई कोर्ट के समक्ष ये बात रखा गया कि बायकादा पुलिस प्रशासन ने जो यात्रा निकली थी उसकी परमिशन दी, और परमिशन के बाद भी यदि ऐसी व्यवस्था चूक होती है तो जिम्मेदार कौन? क्या मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन लोगों को निलंबित नहीं करना चाहिए था जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिनके रहते हुए ये गड़बड़ी हुई, ये दंगा भड़का? तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जब बचाने का काम करेगी तो बीजेपी भी उसमें राजनीति करेगी, शिवसेना भी उसमें राजनीति करेगी, AIMM भी राजनीति करेगी। राजनीति न हो उसका सीधा संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जाना चाहिए था। और बार बार मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल मान के चले क्लियर हैं। वो हिंदू पक्ष पर बार बार आरोप लगा रही हैं, और ऐसे आरोप जहां जिस प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो गई हो, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कभी दंगे भड़क सकते हैं यदि आप एक पक्ष का आप वार्ता करेंगे तो। और ये मुख्यमंत्री का अनुभव रहा है, बहुत अच्छे से वहां जानती हैं, पश्चिम बंगाल अभी से नहीं है, या 3 दशक की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी भी विपक्ष में रही हैं, करीब 50,000 से लोगों 50,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हत्या हुई है। बातें कहना, ये कहना कि रमजान का महीना है, मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि एक समुदाय को आपने सर्टिफिकेट दे दिया और दूसरे को आपने कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ला दिया, और फिर एक पार्टी पर आप निशाना साध रही है, तो साफ तौर पर क्यों ना माना जाए कि बतौर CM आप पूरी तरीके से फेल हो गई। और इसी बात को आपको बता दें, इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार CM को घेरने की कोशिश कर रही है। अब मांग ये उठ रही है कि राज्य में क्योंकि राज्य के CM पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर इस तरह से हिंसक हालात जो है वो लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब राज्य में बहुत जरूरी हो जाता है राष्ट्रपति शासन लगाना। ये कहा गया है, केंद्र को भी चिट्ठी लिख दी गई है, केंद्र की तरफ से हस्तक्षेप हुआ है, राज्य सरकार को ये पूछा गया है, उससे रिपोर्ट तलब की है कि आप बताइए कि हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए, और आप ये भी बताइए कि आपने वक्त रहते क्या कार्रवाई की कि हालात कम से कम फिर से सामान्य हो सके। तो अब सवालों के घेरे में है ममता सरकार। इस बीच एक और हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन। जी हां, कांग्रेस के प्रदर्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो रामनवमी के मौके पर हिंसा शुरू हुई थी, 6 दिन से बवाल जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसको लेकर अब जमीन पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जब कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर उतर आई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी, आपको याद होगा JPC के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी TMC, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर एक बार फिर से TMC कांग्रेस के साथ थी। लेकिन अब यहां देखिए, कांग्रेस भी घेर रही है राज्य की सरकार को और ये सवाल पूछ रही है कि ये इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया। तो नारेबाजी भी हो रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए हैं, और आपको बता दें नारे भी लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ प्लेकार्ड के साथ ममता बनर्जी को से सवाल पूछा जा रहा है और उन्हें घेरा जा रहा है। भाई आपको सुनाते हैं क्या कहना है वहां के कार्यकर्ताओं का। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, दोस्तों याद रखे, सारे जहां से अच्छा नहीं चलेगा। हम बटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। रक्तरंजित बंगाल से आई तस्वीरें ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो राज्यपाल है CV आनंदा बोस, वो मौके पर पहुंचे। आपको याद होगा वो जब वहां पर पहुंचे हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने देखा है बहुत लंबे वक्त से वहां पर जनता त्रस्त है, परेशान है, लेकिन तस्वीर बदलेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हिंसा में लिप्त लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो हिंसाग्रस्त तनावपूर्ण इलाके थे उनका आज दौरा किया है, रिसरा में पहुंचे वो, उन्होंने दौरा किया और वहां पर लोगों को उन्होंने कम से कम इस बात को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा BJP नेताओं का एक पूरा डेलीगेशन पहुंचा था राज्यपाल से मिलने के लिए। शक्तियां खास नहीं है लेकिन कम से कम मोर्चे पर तैनात है, वो कम से कम जमीन पर उतर रहे हैं, जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सूबे की CM क्या कर रही है, वो तो हालात को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है। वो पहुंच गई पूर्वी मेदिनापुर और वहां पर पहुंचकर वो ये कह रही है कि इससे बड़ी हिंसा भड़क सकती है 6 तारीख को। बहरहाल राज्यपाल ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. The police will come down heavily on them
these dark forces, forces of evil, will be brought to book. We will dare them in the den. हनुमान जयंती का दिन, दो दिन बाद क्या होता है ये बड़ा सवाल, और क्या पक्की तैयारी के साथ ममता बनर्जी फिलहाल कम से कम कल शांतिपूर्ण तरीके से हम देख सकते हैं कि लोग अपने समारोह को, जो भी वो निकलते हैं, जो भक्त हैं वो निकलते हैं, उनका समारोह शांतिपूर्ण होता है या फिर नहीं, और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद क्या केंद्र की तरफ से बल मुहैया कराए जाएंगे और हालात पर वक्त रहते काबू पाया जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है, सुलगता सवाल है, और इसी सवाल के साथ हमको रुकना होगा कुछ पलों के लिए। होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।